हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे लेसन 6 यानी कि वाउचर के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास हमने आपको बताया भी था वाउचर क्या होता है, यानी कि जहां पे किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाउचर। और पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन का प्रयोग पार्टिकुलर वाउचर के लिए किया जाता है। जैसे हम बताया था जो परचेज है तो परचेज में ही करेंगे, हर सुन में ना, जिसके लिए अगर जो नीचे हम लोग देखें तो कई सारा वाउचर दिया है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अरे समझे ना, इस हमने ये भी बताया था कि जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको गोल्डन रूल देख करके ये अकाउंटिंग करना हो। अरे समझे ना, गोल्डन रूल में क्या देखना होगा कि पर्सनल अकाउंट में है तो रिसीवर क्या होगा, गिवर क्या होगा, रियल अकाउंट में है तो जो आएगा बिजनेस वो क्या होगा, जो बिजनेस से जाएगा वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में है तो जो एक्सपेंस या लॉस होगा वो क्या होगा, और जो इनकम होगा वो याद रहना चाहिए ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला हमने आपको सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर बताया था, कंट्रा वाउचर, कि जब हम ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसे मात्र कैश और बैंक के बीच लेन देन हो रहा है। किसके बीच? कैश और बैंक के बीच। जैसे हम कैश में कैश जो है बैंक में जमा किए, बैंक से कैश क्या किए, निकाले, इसके बीच बस दो ही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, पहला कैश और दूसरा बैंक। इस प्रकार के ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, कंट्रा वाउचर, याद रहेगा ना। दूसरा क्या बोले थे, पेमेंट वाउचर, कि जब किसी को पैसा हम पैड करेंगे यानी कि पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर जो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के उसका पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर से कोई उधार सामान खरीदे उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर। और उसके बाद अगला हमने आपको बताया था रिसिप्ट वाउचर, जब किसी से पैसा क्या करना हो, रिसीव करना हो, क्या करना हो, रिसीव करना हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन के अंदर हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। जनरल वाउचर बताए थे कि जब एसेट्स को या तो परचेस करना हो या तो एसेट्स को क्या करना हो, सेल करना हो, तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर हम किस में करते हैं, जनरल वाउचर। और उसके आगे क्या रहा, सेल्स वाउचर, यानी कि कोई भी अगर जो वस्तु हम बेचेंगे उसके अंदर हम किस में करेंगे, सेल्स वाउचर। अब याद रख लीजिएगा, ये अगर जो कहीं आप काम करने जाएंगे ना तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कंट्रा वाउचर क्या है या पेमेंट वाउचर क्या है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा कि यदि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, समझा रहा है ना। बस बिल्कुल सिंपल ये आना चाहिए, ट्रांजेक्शन कैश और बैंक के बीच हो रहा है तो किसमें, कंट्रा। अगर ये पूछा जाए हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं, किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। किसी से पैसा हमको रिसीव करना पाना है तो किस वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। कोई एसेट्स परचेज या सेल करना है तो एसेट्स की बात किया जा रहा है किसमें, जनरल वाउचर। और अगर जो कोई ऐसा वस्तु है जिसका उद्देश्य है लाभ कमाना हो जो बेच रहे हैं तो किस वाउचर में, सेल्स वाउचर। और अगर जो पूछा जाए अगर जो हम कोई गुड्स वापस कर रहे हैं, किसी कस्टमर से वापस ले रहे हैं, तो उसकी एंट्री किसमें करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर। यानी कि सेल्स किया गया गुड्स अगर जो वापस करना है तो किस वाउचर में, क्रेडिट नोट वाउचर। परचेज क्या होगा कि लाभ कमाने को जैसे खरीदा गया गया अगर जो सामान है और उसकी एंट्री करना किस में करेंगे, परचेज वाउचर। और वही वस्तु को हम वापस करेंगे तो किस में करेंगे, डेबिट नोट वाउचर, याद रहेगा ना। और उसके बाद से अगला हम लोग पढ़े थे इन्वेंट्री वाउचर, जिस इन्वेंट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, परचेज ऑर्डर। कोई हमारे सामान, हमारे पास कोई गुड्स कम हो गया है, ऑर्डर देना है किस वाउचर में, परचेज ऑर्डर। अगर जो हम सेल्स ऑर्डर लेना चाहते हैं तो कस्टमर अगर जो ऑर्डर दे रहा है कि हमारे पास 10 पीस ये सामान भेज दीजिएगा तो किस वाउचर में, सेल्स वाउचर, सेल्स ऑर्डर में। रिजेक्शन आउट, कि जब हम परचेज ऑर्डर दिए और परचेज ऑर्डर को कैंसिल करना हो तो अगर जो पूछा जाए कि हमको ये परचेज ऑर्डर दे दिए और उस ऑर्डर को कैंसिल करना तो किसका यूज करेंगे, रिजेक्शन आउट। सेल्स ऑर्डर ले लिया और कस्टमर यदि कैंसिल करना चाहता है तो किस वाउचर में, रिजेक्शन इन। उसके बाद बताया था स्टॉक, स्टॉक जनरल, स्टॉक जनरल क्या बताया था कि अगर जो कोई गुड्स एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है तो किसका यूज करेंगे हम, स्टॉक जनरल। डिलीवरी नोट, अगर हमको सेल्स ऑर्डर मिला और हम ला करके उसको क्या कर दिए, डिलीवर करा दिए, किस वाउचर में, डिलीवरी नोट। और अगर जो भाई हमको कोई गुड्स रिसीव हो गया परचेज ऑर्डर वाला तो किसमें, रिसीव। और कुछ ऐसा गुड्स है जो खराब भी हो जा रहा है, वो हमको दिखाना भी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल स्टॉक। अब याद रहेगा ना, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले थे किस वाउचर के बारे में,
रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या है? देखिए सबसे पहले कह रहा है रिसिप्ट वाउचर कि बिजनेस में किसी भी प्रकार के मनी रिसीव होने पर, ट्रांजेक्शन समझा रहा है इसका, समझिए, कह रहा है कि रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग कब करेंगे, तो कह रहा है बिजनेस में किसी भी प्रकार से यदि मनी रिसीव हो, कह रहा मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री किसमें करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, चाहे मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से। अब चाहे आप डायरेक्टली किसी माध्यम से कमाए हो या फिर आप इंटरेस्ट या किसी दूसरे माध्यम से कमाए, आ रहा समझे ना, और फिर आगे कह रहा और चाहे वो कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है। इतना से तो लगभग रिसिप्ट वाउचर समझ में आ रहा है ना, कि अगर जो किसी भी प्रकार से पैसा रिसीव हो रहा है, अगर जो आपके बिजनेस में कुछ अमाउंट प्लस हो रहा है, तो उस प्लस वाले अमाउंट की एंट्री करने के लिए हम किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। अब ये रिसिप्ट जो प्लस हो रहा है, चाहे आपके कैश में हो या फिर आपके बैंक में, दोनों ही कंडीशन हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल में दे रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख इनटू द बिजनेस एज ए एज कैपिटल। हम लोग पहले से पढ़े हैं ना कि जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे हम लोग किसका अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल का और कैश का, ये बनाते हैं ना। अब उसी की बिहेव पे आपको करना होगा। हाँ, लेकिन आगे देखिए कह रहा है रिसिप्ट एंट्री कैन बी इंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग टू मोड, कि यदि आप टैली प्राइम में जब एंट्री करने जाएंगे ना, तो एंट्री करने के लिए किस में जाना होगा, वाउचर ही बताए ना, कि किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन है और उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है तो हमको किस में जाना होगा, वाउचर। अब एक चीज समझ लीजिए, ऐसा ट्रांजेक्शन हम लोग बार बार करते हुए आ रहे हैं क्या, कि अगर जो कोई व्यक्ति है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, पहला किसका, हाँ पहला बना लेंगे कैपिटल, और दूसरा किसका हो जाएगा, कैश का हो जाएगा। कैपिटल किस अकाउंट का है, पर्सनल का, देने वाला किसका अकाउंट क्या हो जाएगा, और कैश पाने वाला है, कैश बिजनेस में आ रहा है और जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लोग पहचान के डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे ना, अब वही हमको यहाँ भी बनाना है। लेकिन कह रहा है कि जब आप इसकी एंट्री करने जाएंगे, तो टैली में आपको दो मोड दिखाई देगा, कितना मोड, दो मोड, जिसमें सबसे पहले कह रहा क्या डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मोड पूछा जाए क्या है, तो कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए, कि अगर जो हम मल्टी ये डबल एंट्री लेंगे, तो एक ही बार में हम मल्टीपल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। मतलब समझा रहा है ना, कि अगर जो हमको कंपाउंड जनरल की एंट्री करना है, तो हम किसमें करेंगे, डबल एंट्री मोड, कि एक से अधिक अकाउंट को हम डेबिट कर सकते हैं और एक से अधिक अकाउंट को क्रेडिट, क्लियर है ना। और उसके बाद यह सिंगल एंट्री मोड, कह रहा दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट एट ए टाइम। जो सिंगल एंट्री मोड होगा, एक बार में मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा लेकिन सिंगल ही अकाउंट क्रेडिट होगा, उससे ज्यादा नहीं। हर समझ में ना, जो आ कह रहा है रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन आपको किस किस मोड में करना होगा, डबल एंट्री मोड में, जिसके लिए कहाँ जाना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर, किस वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की F6, कंट्रोल H बटन प्रेस करना है, किसके लिए, चेंज मोड के लिए, और कौन सा मोड आपको चेंज सेलेक्ट करना होगा, डबल एंट्री। अब इतना समझ लिया, अभी जो हमने आपको फिर बताया एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, कि जब हम बिजनेस में जाएंगे और किसी भी प्रकार जब हमको मनी रिसीव होगा, तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। और जब रिसिप्ट वाउचर में जब हम एंट्री करेंगे, तो इसमें दो मोड होता है, पहला डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड में क्या होगा, एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट, लेकिन वही जब सिंगल एंट्री मोड में आएंगे, तो अधिक अकाउंट डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट कितना अकाउंट होगा, एक अकाउंट होगा। इतना क्लियर है ना। और जो आपको ये ट्रांजेक्शन दिया गया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख
इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, यानी कि जो पुष्कर नाम के जो व्यक्ति हैं वो अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, कैपिटल के रूप में लगा रहे हैं। तो कितना अकाउंट बनेगा, तो पहला किसका, कैपिटल का, और दूसरा कैश। उसके लिए कह रहा आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ ट्रायल और फिर किसमें, वाउचर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, गेटवे ऑफ टैली और उसके बाद से वाउचर। अभी हम लोग किस पे, किस वाउचर में हैं, किस वाउचर में अभी हम लोग, पेमेंट वाउचर में। अभी कह रहा आपको किस वाउचर में जाना है, रिसीट का शॉर्टकट की, यदि आप F6 बटन दबा देते हैं तो भी आ जाएंगे, नहीं तो आप बगल में आपको यहाँ पे वाउचर सीरीज दिख रहा होगा, तो जहां रिसिप्ट है उसी पे क्या कर देंगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन हुआ है ना, याद रख लीजिएगा, जो वाउचर आप ओपन करेंगे वो वाउचर का नाम यहाँ लिख देगा। कंट्रा में आ जाएंगे तो क्या लिखेगा, कंट्रा। पेमेंट में आ जाएंगे तो रिसिप्ट में आएंगे तो रिसिप्ट हो जाएगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे आएंगे ना तो कह रहा आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, कह रहा है प्रेस F12 रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट द ऑप्शन, कह रहा यूज क्रेडिट या डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, उसको क्या करना होगा। जब यहाँ पे आएंगे तभी आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है ना, तो अगर जो ऐसा हो रहा है आपके कंप्यूटर में टू या तो बाई दिखाई दे रहा है, आप लोग बताए थे ना क्रेडिट यानी कि टू और डेबिट यानी कि बाय। बाय किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, डेबिट के लिए, हो जाएगा ना। तो अब क्या करना, जब कॉन्फिगर में जाएंगे, यही कह रहा है जाने के लिए ना, कहाँ पे जाने के लिए कह रहा है कॉन्फिगर, तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूज क्रेडिट आर डेबिट इंस्टेंट इंस्टेड, जब यस है ना, नो रहेगा कंट्रोल एस एक्सेप्ट, क्या दिखाई दे रहा है, डेबिट और क्रेडिट नहीं है ना। तो कॉन्फिगर करने के लिए बताया आपको कॉन्फिगरेशन में जाना है, और जो सेट आपको ये ऑप्शन मिलेगा उसको क्या कर लेना है, हम चले गए कॉन्फिगरेशन में और इसको क्या कर लिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। अब क्रेडिट आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा, दो अकाउंट, पहला कैपिटल और दूसरा कैश, तो कैश को हम लोग क्या कर रहे थे, कैश को डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, ऐसे ही कर दे रहे हैं, ऐसे हम लोग कर दे रहे हैं कि गोल्डन रूल के हिसाब से कर रहे हैं, गोल्डन रूल, क्योंकि हम लोग गोल्डन रूल में पढ़े हैं कि तो जो कैपिटल है वो पर्सनल अकाउंट का है और जो कैश है वो रियल अकाउंट का, और पर्सनल अकाउंट में यदि कोई व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट, तो बिजनेस का मालिक अपने पास से पैसा निकाल करके बिजनेस को दे रहा है तो कैपिटल देने वाला हो जा रहा है ना, तो देने वाला है तो क्या हो जाएगा, अब कैश दे रहा है कैपिटल अपने बिजनेस को, तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश बिजनेस के पास जा रहा है ना, तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो जब कोई धन उस बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं, तो हमको यहीं पे सबसे पहले देखिए कौन सा अकाउंट दे रहा है, क्रेडिट किसको करना है, तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने बनाया है ना कैपिटल अकाउंट। देखिए बिजनेस में इसके पहले भी कितना पैसा लगाया कैपिटल ने, 10 लाख 12 हजार, जो बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग ऊपर 10 लाख 12 हजार भरे थे, याद है, क्या बनाते समय, बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग भरे थे कितना, 10 लाख 12 हजार, ये वाला है ना। अब 10 लाख 12 हजार के बाद से फिर 30 लाख 20 लाख लगा रहा है कैपिटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 32 लाख हो जाएगा ना, हाँ 30 लाख 12 हजार हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 30 लाख 12 हजार। तो वही कह रहा है कि आपको क्रेडिट करना होगा किसको, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और आपको अमाउंट भरना है कितना, 20 लाख। तो पहले 10 लाख 12 हजार लगाया है, बाद में फिर कितना लगा दिया, 20 लाख, 1 जीरो कम रह गया क्या, कितना लगाया है, 20 लाख, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 30 लाख 12 हजार। तो डेबिट किसको करना है, कैश को करना है ना, तो पहले कैश हम लोग कितना पैसा रखे थे, 4 लाख 75 हजार, यही भरे थे ना हम लोग,
अल्टर मोड में जाके कितना अमाउंट भरे थे एक बार आ जाइए नोट्स पे और ऊपर आ जाइए। ये वाला है ना कैश, हम लोग कितना पैसा रखे हैं 4,75,000। तो जब बिजनेस का मालिक 20 लाख लगाया है तो फिलहाल भी कैश बिजनेस में आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए करंट अमाउंट कितना बता रहा है कैश का, 24,75,000। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4,75,000 पहले था और 20 लाख इस बार लगा दिया, टोटल कितना हो गया 24,75,000। अगर जो आप लोग देखेंगे तो नोट्स में नीचे आप लोग को एक स्क्रीनशॉट दिया गया है ना। सिर्फ ये पहचान करने के लिए जो आपने ट्रांजेक्शन किया वो सही है कि गलत, तो ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। तो जिस प्रकार से आप लोग वहां सॉल्व कर रहे थे ना, कंपाउंड जनरल एंट्री और सिंपल जनरल एंट्री, वैसे ही करना है। जहां डेबिट मांगे वहां डेबिट का अकाउंट लिख देंगे, जहां क्रेडिट मांगेगा वहां क्रेडिट का अमाउंट लिख देंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए ऐसे ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है ना। अब इसको जब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा नैरेशन। क्या दिखाई देगा? नैरेशन। नैरेशन क्या है? जब आप लोग सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड पढ़ रहे थे ना तो टू बीइंग करके नीचे दे रहा था नैरेशन, दे रहा था ना। तो वैसे यदि आप लिखना चाहते हैं टू बीइंग ऑन कैपिटल कैपिटल ऑफ अमाउंट ऑफ आर एस कितना लगा रहा है, ऐसे ही नरेशन आपको टाइप कर देना हो जाएगा ना। नरेशन क्या समझ लिया कि नरेशन क्यों लिखते हैं? क्योंकि नरेशन ही बताता है ये किस टाइप का ट्रांजेक्शन है। क्योंकि अभी हम सिर्फ लिखते हैं प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और कैश डेबिट अकाउंट। अब कैपिटल देने वाला हो रहा है और बिजनेस में आ रहा है तो क्या किया जा रहा है ये पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, और नहीं तो जब आप इसको हटाएंगे तो हटा करके आप यही ट्रांजेक्शन दोबारा से पूरा लिख लीजिए। ये जान 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ऑफ आर एस कितना अमाउंट दिया है, यही अमाउंट किसके रूप में टाइप कर देंगे नरेशन। ताकि अगर जब आपसे पूछा कि ये ट्रांजेक्शन आप किस टाइप से किए हैं तो आप ये नरेशन दिखा करके बता सके हम ये ट्रांजेक्शन इसलिए इस वजह से ऐसे किए। आ रहा समझे ना? तो अगर जो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना हो कर ले जाएंगे ना। अभी हम सिर्फ एक बताएं जो किस वाउचर में करना था, रिसीप्ट वाउचर में। अगला ट्रांजेक्शन पढ़े देखिए समझ में आ जाएगा। जो कह रहा है ए जान 2 अप्रैल 2020 यानी कि 2 अप्रैल 2020 को सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, कि आपने बेचा था पुराना न्यूज़पेपर कितने रुपए का, 245। तो पैसा रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे ना, कि बेच दिए हैं उसे पैसा लेंगे। तो बिजनेस में रिसीव करें तो अभी तो पता चलेगा 245 रुपये कहाँ से आया है। आ रहा समझे ना? तो रिसीव करने के लिए कह रहा आपको एक लेजर बनाना होगा, किस नाम से, सन्ड्री इनकम, और अंडर ग्रुप क्या रखना होगा, यानी कि इनकम तो होगा लेकिन किसी दूसरे माध्यम से। इसलिए जब हम यहाँ पे जब आएंगे तो एक क्रिएट कर लेंगे क्या लेजर, नाम क्या भरना है, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट हो जाएगा। फिलहाल जीएसटी से कोई मतलब नहीं, हम चाहे इसको क्या कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से। अब ट्रांजेक्शन पढ़ के पहले आप बना लीजिए इसका। कह रहा है कि सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, कि आप पुराना न्यूज़पेपर क्या किए हैं बेचे हैं। तो एक बना लिए सन्ड्री इनकम। सन्ड्री हम टाइटल इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम किसी कस्टमर के जैसे बेच कर हम क्या किए कुछ इनकम कमाए, इसलिए हम नाम किसका ले लिया, ये समझ आ रहा है ना क्या करना होगा। इसीलिए एक लेजर बना ली। अब हम पहला अकाउंट ले लिए सन्ड्री इनकम, तो वो क्या कर रहा है बिजनेस, अगर जो हम न्यूज़पेपर बेचे हैं तो कैश में ही देगा ना। दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा, कैश का। अब पहचानना है कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। तो रिसीव कर रहे हैं तो सन्डे इनकम इनकम हो रहा है ना। इनकम और एक्सपेंस से खाता कौन सा होता है, नॉमिनल, और नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल है कि यदि इनकम होगा तो
क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो इनकम हो रहा है ना, तो इनकम है तो इसका अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट होगा, और कैश बिजनेस में आएगा कि जाएगा, आएगा ना। अब अगर आप इतना समझ सकते हैं कि और जब पुराना न्यूज़पेपर बेच रहे हैं उसके बदले आपको वो कैश दे रहा है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है ना। जब कोई धन है उस बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, हो जाएगा ना। तो सेम ऐसे ही ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको करना है वाउचर, किसमें आना होगा वाउचर, और वाउचर के बाद से आपको आना होगा किसमें, रिसीप्ट वाउचर। इनकम क्या हो रहा है, संडरी इनकम हो रहा है ना, तो संडरी इनकम को क्या करना है, कितने रुपए से, 245, हो जाएगा ना। डेबिट किस अकाउंट को करना है, कैश को करना है ना, यहाँ लीजिए कौन सा अकाउंट, कैश। नरेशन भरना हो तो भरेंगे, नरेशन भरने के लिए हम बता देंगे, आप लोग चाहें तो यही ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे नरेशन के रूप में, हो जाएगा ना। और कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना होगा, कितना ट्रांजेक्शन किया अभी हम, हो जाएगा ना। अगला अगर जो करना हो तो कर ले जाएंगे, बताओ रवि खड़े हो जाओ, बताओ कैसे ट्रांजेक्शन होगा तीसरा वाला। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹1,500 ऑन SBI करंट अकाउंट, कि आपको ब्याज रिसीव हुआ है SBI बैंक अकाउंट से कितने रुपए, ₹1,500। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कैसे करेंगे, अभी तो बताओ उसके साथ कुछ आइडिया मिला होगा ना। हम चाहते तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन पूछने का मतलब क्या, देख ले कहाँ आप लोग कर ले जा रहे हैं, नहीं कर ले जा रहे, बताओ हमको भी कैसे करोगे, बताइए शुभम। ये ट्रांजेक्शन तीसरा वाला, पहले तो ये बताइए किस वाउचर में करेंगे, रिसीप्ट वाउचर में किस प्रकार से करेंगे रिसीप्ट वाउचर, बताओ जिनिस। हाँ न्यू लेजर ये तो दिख रहा है, बैंक पहला मान के चलिए इंटरेस्ट रिसीव का पहला अकाउंट बन गया, पहला किसका बन गया इंटरेस्ट रिसीव का, दूसरा किसका बनेगा, दूसरा किसका बनेगा बैंक का, क्यों बनेगा बैंक का, क्यों बनेगा, बैंक में मिलेगा। तो पहला अकाउंट हो गया इंटरेस्ट का और दूसरा हो गया बैंक का, इसमें कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, हाँ क्रेडिट, और बैंक बैंक डेबिट क्यों होगा, सही बैठिए लोग, बस समझ लीजिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन पहले पढ़ के समझिए, ट्रांजेक्शन बताएगा आपको कैसे क्या करना होगा। खुद कह रहा है कि 2 अप्रैल 2020 आप लोग पहले बताए थे, फिलहाल भी हम लोग को डेट से कोई मतलब नहीं। अब आप देख लिए, कह रहा है रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹1,500 ऑन SBI करंट अकाउंट, कि रिसीव हुआ ब्याज ऑफ RS कितने रुपए है, ₹1,500 ऑन SBI करंट अकाउंट, किस बैंक में, SBI करंट अकाउंट। तो पहला तो हमारा बन जाएगा किसका, इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट का, आ रहा समझ में ना, और दूसरा किसका बनेगा बैंक का, क्योंकि बैंक में अभी पैसा हमको क्या ब्याज मिल रहा है, आ रहा समझ में ना, तो इसलिए हम दूसरा अकाउंट बना लिया किसका, बैंक अकाउंट का। अब समझिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, इनकम, क्या हो रहा है इनकम, और जब इनकम होगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब बैंक यहाँ पे क्या होगा, और जो ब्याज मिल रहा है तो बैंक से जब हम निकालेंगे तब तो कॉन्ट्रा में करेंगे, क्योंकि तब विड्रॉ होगा, निकालना होगा,
लेकिन हम निकाल नहीं रहे ना, रिसीव हो जा रहा है, लेकिन किस में रिसीव हो रहा है? बैंक को रिसीव हो रहा है। तो बैंक पाने वाला हो रहा है कि देने वाला? पाने वाला है तो क्या हो जाएगा? बस यही ट्रांजेक्शन आपको वाउचर में कर लेनी है। टैली, रिसिप्ट वाउचर। क्रेडिट किसको करना है? तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव को इस नाम से क्या बनाएंगे? लेजर बनाए। नाम टाइप किए, अंडर को क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। कंट्रोल ए से कितना अमाउंट हो रहा है? 1500। किसके माध्यम से? हाँ, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट एट SBI। SBI बैंक में ही हो रहा है ना। और कंट्रोल ए से इसको भी क्या कर लेंगे? तो फिलहाल अभी आप लोग जब लैब में जाएंगे तो ये तीन ट्रांजेक्शन करके समझ लेंगे, और जब नहीं समझ में आएगा किस प्रकार से एंट्री हो रहा है तो अगली क्लास में आके एक बार जरूर पूछ लेंगे। उसके बाद से अगला हम आप लोग बताएंगे चौथे ट्रांजेक्शन के आगे। क्लियर है ना? तो आज आप लोग पहले यहाँ तक करके आइए लोग।